रायचूर अयोध्या जनपद में आज उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूर संघर्ष समिति के आह्वान पर श्रम कार्यालय के सैकड़ों कर्मचारी व पदाधिकारियों ने अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर फैजाबाद के उप श्रम अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूर संघर्ष समिति के संयोजक उमा शंकर मिश्रा ने बताया, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दिन भर मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूरों को एक काम एक समान मजदूरी देने का प्रावधान है। संयोजक महेश मिश्रा ने कहा, ठेकेदारी की प्रथा बंद होनी चाहिए। इसके तहत मजदूरों का ठेकेदार शोषण करते हैं और उन्हें मजदूरी भी नहीं देते हैं, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमा शंकर मिश्रा ने कहा कि इसी संबंध में हमने अपनी बात को शासन तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारियों फैजाबाद को एक ज्ञापन दिया है, जिनमें सात सूत्रीय मांगों को रखा गया है। अध्यक्ष ने अभी कहा, आज जो यह ज्ञापन दिया गया उसमें ज़्यादातर फोकस रोजा चीनी मिल के संदर्भ में रहा। अध्यक्ष ने कहा, सरकारी शासनादेश के आधार पर जो मजदूर विगत कई वर्षों से चीनी मिल में काम कर रहे हैं, उनका रुका हुआ वेतन बहाल किया जाए। समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमा शंकर मिश्रा ने बताया, यदि हमारी मांगें सरकार द्वारा नहीं पूरी की जाती हैं तो आने वाले दिनों में हमारा संगठन हजारों की संख्या में पैदल मार्च करते हुए सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा, रोड जाम करेगा। समिति के संयोजक ने कहा, रोजा चीनी मिल में कार्यरत मजदूरों का वेतन विगत कई सालों में पेंडिंग में पड़ा है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले को लेकर कोई हल नहीं निकाला गया। संयोजक ने आज श्रम कार्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों जनपद के जिलाधिकारी से मिले और अपनी समस्याओं और मांगों को रखा। जिलाधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा, हम नोटिस देकर चीनी मिल मालिकों को बुलाएंगे और मामले की निष्पक्षता की जांच की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चीनी मिल के जो कर्मचारी यूनियन के लोग और कुछ कर्मचारी आए थे, उन्होंने पहले भी कुछ मांगे रखी हैं, जिस पर हमने अभी नोटिस दे के बुलाया था मैनेजमेंट को, और श्रमिक पक्ष की पहले भी कुछ तिथियों पर बातचीत सुनी गई है और आज भी कुछ पहलू कुछ बिंदु रखे हैं आपने एसोसिएशन ने यूनियन ने, उसमें ख़ास तौर से जो वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू कर भुगतान कराए जाने के संबंध में, तो इसमें संबंधित जो चीनी मिल के प्रतिष्ठान के जो प्रबंधन है उनको बुलाया जाएगा और उनको बुलाकर उनकी भी बात सुनने के बाद फिर इनके मांगों के सापेक्ष में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से ज्ञापन जो दिया है वेतन पुनरीक्षण कराए जाने संबंधी, वेतन का भुगतान नियमानुसार कराए जाने, नियुक्ति पत्र वेतन पर्ची हाजिरी कार्ड समान कार्य के लिए समान वेतन, ठेकेदारी व्यवस्था बंद करने, ये सारी इनकी मांगे हैं। इनमें से कुछ मांगे जो यहाँ से इस स्तर पर कार्यान्वित की जानी है, उसके लिए सेवायोजक का भी पहले पक्ष सुना जाएगा कि इसमें से वो क्या कर रहे हैं या वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती तभी निर्णय लिया जा सकेगा। अनुराग मिश्रा।